सुशांत सिंह राजपूत की हत्या कैसे हुई? बॉलीवुड के गंजेड़ी लोगों की बजाने वाला बाप मालूम ना कौन? ये देख। जय हिंद, वंदे मातरम। समीर वानखेड़े को फिर से धमकियां दी जा रही हैं और आखिरकार बॉलीवुड से पंगा लेने के बाद अब उनको सोशल मीडिया में भी धमकियां मिल रही हैं। कौन दे रहा है वो धमकियां, बताएंगे डिटेल में। पर उससे पहले आपको बताएंगे कि सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में एक बहुत बड़े शख्स ने जब जनता की अदालत में कदम रखा और कदम रखते ही नीलेश ओझा जी के सामने कई बड़ी बातें बोली हैं सुशांत केस को लेकर, और वो कौन है आप आज खुद देख लीजिएगा। पर उससे पहले आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें तो बात करेंगे समीर वानखेड़े जी की। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर रहे समीर वानखेड़े जी, जिन्होंने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में जब से कदम रखा था तब से उन्होंने तहलका मचाया और ड्रग पेडलर्स तक को हिला दिया था उन्होंने। आपको याद होगा जब तक वो एनसीबी के जोनल डायरेक्टर थे तब तक कहा जा रहा है कि जो ड्रग पेडलर्स से उनकी खैर नहीं थी, यहाँ तक कि फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले कई सारे लोगों की नींदें उड़ चुकी थी कि समीर वानखेड़े जी कहाँ से आ गए, क्योंकि कई सारे लोगों को उन्होंने पूछताछ के लिए बुलाया, कई सारे लोगों को एनसीबी के चक्कर लगाए और कई सारे लोगों को तो उन्होंने जेल की हवा तक हिला दी थी। पर अब कहा जा रहा है कि जब से उन्होंने शाहरुख के बेटे आर्यन खान को पकड़ा है तब से कहा जा रहा है कि उनके ऊपर सवाल उठने शुरू हो गए थे, जिन सवालों के बीच में अभी कहा जा रहा है कि कोर्ट ने बोल दिया था कि भैया समीर वानखेड़े जी ने रिश्वत नहीं ली है, उन पे गलत आरोप लगे हैं, कई सारे सबूत पेश किए समीर वानखेड़े जी के द्वारा। जिसके बाद ये भी सवाल उठा कि शाहरुख खान जो है वो दिल्ली तक पहुँच गए अपने बेटे को बचाने के लिए, कई सारी ऐसी बातें सामने निकल के आई। पर देखा जाए तो समीर वानखेड़े जी वाला मामला जो आज पेंडिंग है, अभी जाँच हो रही है मामले में, पर पहला पक्ष निकल के आया वो समीर वानखेड़े जी के हित में निकल के आया। और इसी के बाद कहा जा रहा है कि अब सोशल मीडिया के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से समीर वानखेड़े जी को धमकी दी गई है, और ये धमकी देने वाले की जानकारी अब निकाली जा रही है पुलिस के द्वारा, क्योंकि समीर वानखेड़े जी ने कंप्लेन दर्ज करा दी है और ये बोल दिया है कि भैया ये जो धमकियाँ दी जा रही है इनको जल्द पकड़ा जाए। पर वहीं पर बात करें तो सोशल मीडिया के माध्यम से समीर वानखेड़े जी को धमकी दी जा रही है, और ये भी शायद उनका ही फैन होगा जिनको समीर वानखेड़े जी ने आज तक पकड़ा है, क्योंकि जो ड्रग्स के अगेंस्ट है वही समीर वानखेड़े जी को धमकी दे सकता है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि समीर वानखेड़े जी हमेशा ड्रग फ्री इंडिया चाहते थे, वो यूथ को ड्रग से दूर रखना चाहते थे, और अगर कोई ऐसा धमकी उनको दे रहा है तो डेफिनेटली ये तो कन्फर्म है कि भैया उस इंसान को ड्रग्स जरूर पसंद होंगे, या फिर वो नहीं चाहता कि ड्रग फ्री इंडिया बने, इसीलिए वो समीर वानखेड़े जी को धमकी दे रहा है, या फिर वो उन लोगों का फैन होगा जिनको हवा खिला चुके हैं समीर वानखेड़े जी जेल की। तो यहाँ पर देखने वाला विषय है कि जल्द नाम निकल के आएगा सामने जो धमकी दे रहा था समीर वानखेड़े जी को इंस्टाग्राम पर वहीं पर समीर वानखेड़े जी के ऊपर लगे हुए जो केसेस थे, लगे हुए चार्जेस थे, वो कहीं ना कहीं अब गलत साबित हो रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि समीर वानखेड़े जी ने साफ कहा था कि जो सच है वो सामने निकल के आएगा, मैं झुकूंगा नहीं क्योंकि गलत इंसान नहीं हूँ, और कहीं ना कहीं जो सच है वो सामने आ जाएगा, इंतजार करो, और सच धीरे धीरे सामने निकल के आ रहा है। पर वहीं पे अगर हम बात करें दूसरी तरफ तो समीर वानखेड़े जी ने सुशांत केस में भी जांच करी, कई सारे लोगों को बुलाया, पूछा, जेल की हवा खिलाई, पर अब कहा जा रहा है कि जो सुशांत सिंह राजपूत है उनका केस फिर से जनता की अदालत के अंदर उठ चुका है, और इस बार नीलेश ओझा जी बड़े एडवोकेट और जनता की अदालत के जज के रूप में जब उन्होंने कदम रखा तब उनके सामने कई सारे लोग आए जिसमें सुशांत के फैंस थे, जिसमें कहा जा रहा है कि एक शख्स थे जो आए तो बाहर थे शायद बिहार के थे, पर उन्होंने कई बड़ी बातें बोल दी सुशांत केस में, वो क्या थी? बिहार के बहुत बड़े एक राजकीय नेता है, लेकिन यहाँ पर ये राजकीय नेता की कैपेसिटी में नहीं आए, ये बिहार के जनता की कॉमन मैन की क्या आवाज है, एक इंसान होने के नाते इन्हें क्या लगता है इस केस में, तो आप ये कहना चाहते इस केस में? सर, सुशांत हमसे जुड़े हुए थे और विद्यार्थी जीवन से जुड़े हुए थे, और जब ये घटना की जानकारी मिली तो हम लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया कि ये मर्डर है, और ये आम जन के मन में है कि मर्डर है। वो साधारण परिवार से थे और सहरसा के उस इलाके से मेरा जुड़ाव रहा है जहां उनका घर था, वो स्टूडेंट के रूप में भी फिजिक्स के विद्यार्थी थे, और कभी भी ऐसे जुनूनी लोगों को आत्महत्या का कभी स्वप्न भी नहीं देख सकता है। मैं एक बात कहना चाहूंगा, चूंकि मैं राजनीति में हूं, मैं मानता हूं कि जुडिशियरी से भी ज्यादा फर्स्ट करप्ट पॉलिटिकल सेक्टर है, और कैसे जनता की अदालत में ये महाअदालत आपने शुरू किया है, पॉलिटिशियन को एक्सपोज करना चाहिए,
और इस केस के माध्यम से पॉलिटिशियन कंप्लीट एक्सपोज्ड होंगे। आज बहुतायत चरित्रहीन निर्लज और संवेदनहीन लोग राजनीति में जा रहे हैं, जिनको सामाजिक सरकार से कोई मतलब नहीं है। इसमें बड़े पॉलिटिशियन इन्वॉल्व हैं, उनकी अय्याशी इन्वॉल्व है, और इसीलिए सत्ता के तमाम बड़ी हस्तियां इसको दबाने में, आत्महत्या बनाने में लगी रही। हम आपके शुक्रगुजार हैं, अंतर पीड़ा थी मेरी, और मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आप जैसे लोग समाज को एक नई ऊर्जा, नया प्रकाश, युवा पीढ़ी को एक नई शक्ति देने के लिए एक अभियान शुरू किया है, और इस अभियान की सफलता की कामना करता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक महीने तक धुआंधार हम लोगों ने आंदोलन चलाया, तब बिहार सरकार की नींद खुली। बिहार का एक उभरता हुआ शानदार व्यक्तित्व, जिसे लोगों ने अपने जबड़े में समेट करके, मड़ोड़ करके मार दिया, और एक महीने के बाद राजीव नगर में उनके पिताजी बैठे हुए थे, थाना में जा रहे थे। जब ये आंदोलन शुरू हुआ बिहार में, तब बिहार सरकार ने एफआईआर दर्ज किया। ये शर्म का विषय है कि एक महीना लगा एफआईआर दर्ज कर, जिसको 100 फोटो इनिशिएटिव लेना चाहिए। इसलिए जब कभी भी कोई बड़े घराने के राजनीतिज्ञ, पॉलिटिशियन और ऐसे अय्याशी में, ऐसे हत्याओं में जब जुड़ते हैं, तो पूरे देश के राजनीतिज्ञ उनकी रक्षा करते हैं। इसलिए ये जब खुलेगा तो देश का बड़ा भला होगा। राजनीतिज्ञों का एक बड़ा सेक्टर जो आज राजनीति को सेवा नहीं, राजनीति को अपनी अय्याशी का माध्यम बनाया है, उसका चेहरा भी बेनकाब होगा। हम इतना ही कहना चाहते हैं कि वहीं से रोक नहीं है, इसमें सीधा सीधा मर्डर है, नहीं तो एक महीने में बिहार में कैसे? दबाव हर जगह काम कर रहा था और आज भी दबाव हर जगह काम कर रहा है। इसलिए जनता की अदालत में ये सब नंगे होंगे, खुलेगा, और फिर कोई सुशांत आत्महत्या का नाटक नहीं कराया जाएगा, बल्कि हत्या होगी तो सीधे वो जेल जाएंगे। इन बातों को सुनने के बाद आप सोचते होंगे कि आखिरकार सुशांत केस में कई लोगों ने अपनी अपनी बात रखी, कई लोगों ने अपने अपने पक्ष रखे, पर ये बहुत बड़ी बात बोली गई है जो इन्होंने बोली है आज। तो कहीं ना कहीं देखा जाए सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में लोग आ रहे हैं सामने, और लोगों का सामने आना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो सोचिए 3.5 साल के बाद भी सुशांत सिंह राजपूत के लिए आवाज़ उठा रहे हैं लोग, वो SSRN, वो वॉरियर जो सुशांत के लिए वो बनकर आए, जो शायद कभी किसी ने सोचा नहीं था कि सुशांत के फैंस इतने एक्टिव रहेंगे कि 3.5 साल बीतने के बाद भी आज भी सुशांत सिंह राजपूत के लिए फाइट करेंगे, यहाँ तक कि जनता की अदालत के अंदर जाकर सबूत पेश करेंगे। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम है उन वॉरियर, उन SSRN का, जो पिछले 3.5 साल से सुशांत के लिए फाइट कर रहे हैं। आपका क्या कहना है, आप अपनी राय कमेंट्स रखिएगा, मिलेंगे बहुत जल्दी। और साथ में आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और साथ में हमारा नया चैनल सागर मल्ला रिव्यू के साथ भी जुड़ जाइए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी, नमस्कार, जय हिंद।